माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। इस बार तो सरदार की जो गंदम है ना, क्या बात है उसकी। इस बार मुझे लगता है इस बार हम ना कुछ सरदार से ले जाएंगे। क्या बात है यार, सरदार के पास जाते हैं कि इस बार ना कटाई हम खुद करेंगे, बच्चों के लिए हर चीज ले लेंगे और साल का दाना पानी भी बन जाएगा। क्या बात है, सरदार के पास जाते हैं। छोटे, ये हार्वेस्टर वाले का नंबर मिला ना। सरदार साहब मिल गया हार्वेस्टर वाले का नंबर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सरदार बात कर रहा हूँ। यार इस दफा गंदम माशाल्लाह अच्छी हुई है, तो मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि इस दफा हार्वेस्टर मैंने लगाना है अपनी सारी गंदम की, तो आपने लाजमी आना है, टाइम पे बता रहा हूँ क्योंकि मौसम का नहीं पता। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी, क्या हाल है। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सरदार जी। माशाल्लाह इस बार तो बड़ी अच्छी गंदम हो रही है। माशाल्लाह अच्छी गंदम हो रही है सरदार जी, को हमारे बारे में भी सोचना। यार इस दफा बात है कि अभी मैंने हार्वेस्टर वाले से बात की है, तो मैं हार्वेस्टर लगा रहा हूँ, मैं आपको भाई नहीं लगा सकता। सरदार जी मेहरबानी करे, हमारे छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, हम गंदम कहाँ से लेंगे सारे साल की। यार मौसम खराब हो जाता है, लाखों रुपए की मेरी गंदम खराब होती है, आपको क्या है। आप तो हफ्ता हफ्ता आके उधर अपने ठीये लगा के बैठ जाते हो फसल के अंदर। सरदार जी मैं बंदे और ले आऊंगा साथ, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कर लेंगे, मेहरबानी करें सरदार जी। नहीं हो सकता, नहीं आप ऐसे परेशान न करो मुझे, मैंने बात कर दी है पहले एडवांस। आपकी मेहरबानी हो यार, आप जाओ, इस तरह मुझे खराब न करो, जाओ। सरदार जी मेहरबानी होगी यार, मैं सोचूंगा आपके बारे में, आप जाओ फिलहाल। कैसे कैसे आ जाते हैं मुंह उठा के, लाखों रुपए की गंदा में हम इनके पीछे खराब कर दें। दिल के अरमा मोतियों में भरो गए, यार हमारा क्या बनेगा यार गरीबों का। हमने कहा गंदम अच्छी हो रही है तो हमारा साल का दाना पानी बन जाएगा, लेकिन सरदार ने तो काम खराब कर दिया यार। सरदार मैं क्या कहूँ आपको, गरीब बंदे हैं, क्या कर सकते हैं आप इतने। कमाला क्या हुआ, ऐसे क्यों पड़े हुए हो अब तो, माशाल्लाह गंदम भी इतनी अच्छी है, ये बेलचे जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने, क्या हुआ यार। ये जो गंदम है ना, इसी का तो रोला लगा हुआ है। क्या रोला है? सरदार ने कहा है कि ये जो गंदम है ना, हाँ जी, वो हार्वेस्टर काटेंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, क्या करें, हम गरीब बने हैं, सरदार को कुछ कह सकते हैं? सरदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं सरदार से बात करूंगा यार। ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। सरदार ऐसी बात नहीं है, ये हमारा फर्ज है, ये अल्लाह ताला ने इतनी जमीन दी है, इतनी गंदम दी है, इसमें कुछ हिसाब का। इसी तरह बात है, सदका ज़कात ये क्यों रखी गई है, ताकि इससे गरीबों का भला हो। यार आपकी मेहरबानी होगी, मशीनें बना के हमने अपने आप को जदीद तो कर लिया है, लेकिन अपने ही इंसानों के हाथ काट दिए। मैं सरदार से बात करूंगा यार, आपकी मेहरबानी। चलो मैं सरदार से बात करूं। यार क्या बहुत अच्छा आदमी हो यार आप, माशाल्लाह यार, अल्लाह पाक नसीब करे, फसल अच्छी हो रही है, प्यारी फसल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कैसे आना हुआ? मैं ये क्या नई बात सुन रहा हूँ कि ये आप हार्वेस्टर मंगवा रहे हैं। यार अली भाई बात इस तरह की, मौसम का भी आपको पता है और फसल इतनी ज्यादा है, मजबूरी है यार, इस दफा हम हाथ से नहीं कटवा सकते, वो लेबर नहीं लगा सकते यार हम। सरदार साहब कटेगी तो ये गरीब मजदूरी काटेंगे, ये मौसम टल भी सकता है, ये मौसम बनाने वाला भी खुदा है, इसको हटाने वाला भी खुदा है, क्या पता हार्वेस्टर आए वो खराब हो जाए, बारिश आ जाए फिर भी ये गंदम जाया हो जाएगी। आप लोग स्टोर भी तो करते हैं, उससे कौन सा मुनाफे कमा के आप लोग कुछ कर लेते हैं, कोठियां बना लेते हैं, जब मरोगे तो खाली हाथ जाना, कुछ भी नहीं जाना साथ। ये जितने मुनाफे आप कमा रहे हो, ये जखीरा अंदोजी कर रहे हो, ये बड़ी बड़े हार्वेस्टर मंगवा के इन गरीबों का हक मार रहे हो, क्या इससे आप कामयाब हो जाओगे? ये सारा साल गरीब आपके इंतजार में होते हैं कि गंदम पकेगी तो सरदार साहब हमें बुलाएंगे, हमारी रोजी बन जाएगी। आप इतने बड़े सरदार हो, अल्लाह ताला ने आपको इतना रुतबा दिया है, आपके अंडर इतने गरीब लोग आते हैं, आप एक हार्वेस्टर मंगवा के अपना काम करवा लोगे, ये गरीब कहाँ जाएंगे, आप किस बात के सरदार हो? यार अली भाई बिल्कुल आपकी बातें मेरे दिल को लगी। यार ये बात तो मैंने सोची नहीं थी यार, ये भी गरीब हैं, ये भी हमारे मोहताज हैं, आपने यार मेरी आंखें खोल दी हैं, मेरा दिमाग खोल दिए, तो आप यार परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको मैं गंदम पे लगाऊंगा। आपकी बहुत मेहरबानी सरदार, खुश रहो खुश रहो। आपकी भी बहुत मेहरबानी, हमारा फर्ज है, हमारा हक दिलवाया, बहुत मेहरबानी आप।
दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि यार आजकल हमने मशीनरी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। साइंस ठीक है, साइंस आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, लेकिन यार इसी तरीके से अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे माशरे के अंदर हर बंदा देख लेना उसके अड़ोस पड़ोस में कितने ऐसे गरीब हैं, कितना ऐसा तबका है जो यार किसी आसरे पे बैठा होता है कि यार हमारे वडेरे हमारे जमींदार कुछ उनकी मदद करेंगे, वो उनके बदले में फसल काटेंगे तो उसका साल का दाना बन जाएगा, अनाज बन जाएगा। बच्चों के बारे में सोचें तो गुजारिश है सबसे कि अब फसलों का सीज़न चल रहा है, आपके सामने ये गंदम माशाल्लाह अच्छी हो रही है, अल्लाह पाक हर किसी के रिस्क में इजाफा करें, तो उनके बारे में भी सोचें। एक छोटा सा पैगाम था, अल्लाह हाफिज़।